बड़े एनकाउंटर काउंटर ऑफेंसिव से पहले ही यूक्रेन का कॉन्फिडेंस हिला दिख रहा है। यूक्रेनी सैन्य अधिकारी का चौंकाने वाला बयान आया, रूस से मुकाबले की हालत में हम नहीं हैं, पश्चिम से मिले हथियार हमारे लिए काफी नहीं है, यानी और हथियारों की वो बात कह रहे हैं। आर्म्स को लेकर ये यूक्रेन का शुरू से ही रहा है कि हमें हथियार और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए, और अब देखिए एक साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एक बड़े हमले की तैयारी और फिर भी वही बात। तो यूक्रेन का लगातार कॉन्फिडेंस पश्चिम के देश नेटो तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को और मदद चाहिए और हथियार चाहिए, और ये काउंटर ऑफेंसिव का प्लान बनाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए यूक्रेन को और मदद चाहिए, तो सपोर्ट और चाहिए। और क्या कुछ यूक्रेन ने डिमांड रखी है, और बिग वॉल के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि यूक्रेनी सैन्य अधिकारी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है, क्या बोला गया है। यूक्रेन का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, क्यों? पश्चिम से मिले हथियार मुकाबले के लिए काफी नहीं है, ये इनफ नहीं है, और चाहिए। रूसी फोर्स के पास अभी भी एडवांटेज है, रशियन फोर्स के पास भारी आर्टिलरी मौजूद है, ये कहा गया है। इसके अलावा रूस के पास टैंक, हेलीकॉप्टर्स और जेट्स का जखीरा है, ये कहा गया है। ये कहा गया है कि हम उनका मुकाबला राइफल से नहीं कर सकते, हमें और चाहिए, हमें जमीन पर हैवी हथियार और आसमान से सपोर्ट चाहिए, हमें सपोर्ट सिस्टम हमारा और मजबूत होना चाहिए, रशियन फोर्स को पीछे धकेलना काफ़ी मुश्किल इस वक्त हो रहा है। तो यूक्रेनी ऑफिसर की जो बातें हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपी हैं वो हम आपको बता रहे हैं।